झूठी मोहब्बत, वफा के वादे, कितना कुछ करते हैं लोग सिर्फ वक्त गुजारने के लिए। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे सारे दुखों का कारण है। जब वक्त बदला तो लोग बिछड़ गए, फायदा ये हुआ कि हम जीना सीख गए। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। जबरदस्ती किसी की लाइफ का हिस्सा बनने से अच्छा है आप खुद को संभालो और उसकी लाइफ से आप दूर हो जाओ। गुलाम बनना है तो दिल से चलो, और नाम बनाना है तो दिमाग से चलो। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता, आप सही मैं गलत, बात ही खत्म। सुलूक चाहे जो कर लेना मुझसे, बस याद रखना कि मैं सब याद रखता हूँ। दर्द से लोगों का ध्यान बांटना जरूरी है, इसीलिए कभी कभी ज्ञान बांटना भी जरूरी है। स्वाभिमान जिसके अंदर होता है वो हमेशा सिकंदर होता है। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, परंतु एक खूबी भी है कि वो बदलता नहीं है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटी हरकतें कभी मत करना। उसका अच्छा वक्त जरूर आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। समय कितना भी खराब हो, मैं कभी भी उधार का एहसान नहीं लेता। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कोई ही देता है, पर धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। मोहब्बत उनसे ही करो जो समय आने पर प्यार दिखाए, अपनी औकात नहीं। जिंदगी तो सस्ती है जनाब, बस हमारे जीने के तरीके ही महंगे हैं। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है, बोल लिया करो या लड़ लिया करो। आज इतना भी इग्नोर न करना मुझे कि कल मेरे मैसेज के लिए भी तरस जाओ। मैंने अपनों को गैरों सा व्यवहार करते देखा है, और लोग कहते हैं कि अपना अपना ही होता है। इज्जत मिट जाए जिस जगह से, वो दहलीज कभी मत लांगना। जिंदगी हो या इश्क हो, लेकिन भीख कभी मत मांगना। बेवजह नहीं रोता इश्क में कोई, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है। जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक वो शख्स जो हमसे ज्यादा हमारा हो। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। किसी से बदला लेने में कुछ मजा नहीं है, बल्कि खुद बदल जाने में असली मजा है। सच बोलकर भले किसी का दिल तोड़ दो, पर झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा कभी मत तोड़ो। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। माना मौसम भी बदलते हैं, मगर धीरे धीरे तेरे बदलने की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं। दूसरों के घरों में जाकर पंचायत वही लोग करते हैं जिनकी खुद के घर में कोई इज्जत नहीं होती। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है। चाहने में और पाने में बहुत लंबी दूरी होती है। एक चाहत है मेरी कि एक चाहने वाला ऐसा हो जो चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा हो। जख्म प्यार का तो भर गया, पर निशान दिल पे छोड़ गया। ये मोहब्बत का जुनून था जो सरेआम नीलाम कर गया। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत जरूरी है। आप बस पैसा अपने साथ रखो, वक्त और लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। तराशिए खुद को कुछ इस कदर कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाला अफसोस में रहे। जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर। बस अंतर तो सिर्फ इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। एक नया सबक सीखा है जिंदगी से कि जितनी कदर करोगे उतना परेशान रहोगे।
बहुत ख्याल रखते हैं वो अपने दिल का, इधर नहीं लगता तो उधर लगा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा मित्र और शत्रु बनाते हैं। जहां उम्मीदें खत्म हो जाती है, सुकून वहीं से शुरू होता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक होता है। दुख जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। हर दर्द सबक देता है और सबक इंसान को बदल देता है। बहुत अकेले होते हैं वो लोग जो खुद ही रूठ कर खुद ही मान जाते हैं। दिल से खूबसूरत लोग बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं। इंसान की फितरत यही है कि मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो कद्र नहीं करता। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जो मुसीबत में साथ दे वो इंसान बड़ा। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। तुम जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे उतने ज्यादा ठगे जाओगे और उतने ज्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। रिश्ते कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी ही घुमा देती है। तू सब्र रख, दूरियों का मलाल उसे भी होगा। जब तू किसी और का होगा तो मोहब्बत का एहसास उसे भी होगा। कितना अजीब है ना, भरोसा किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। ये दुनिया बड़ी मतलब ही है, इससे अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ आपका परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो। इश्क भी चाहते हो और सुकून भी चाहते हो, गजब करते हो, अमावस की रात में चांद चाहते हो, रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को महसूस न होने देना, जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। ये दुनिया तबाही के मोड़ पर खड़ी है और तुम मुझे देखो, मुझे फिर भी तेरी ही पड़ी है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आए। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए भी कान रखो।
कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वे हमसे फायदा उठाकर भी हम पर ही कोई एहसान कर रहे हों। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं, ना कुछ पाने की खुशी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है। जिंदगी में जब जब किसी के साथ की जरूरत पड़ी है, मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया है। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद न हो, वैसा व्यवहार आप भी दूसरों के साथ न करें।